ये वाली मृत्यु का मतलब क्या है कि लोगों से अलग हो जाना, अपने प्रियजनों से अलग हो जाना, अपने लोगों से अलग हो जाना। परंतु दूसरी मृत्यु का अर्थ क्या है? दूसरी मृत्यु का बहुत खतरनाक अर्थ है, बड़ा भयंकर अर्थ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम दूसरे खंड के बारे में बात कर रहे हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र, और हम बात कर रहे हैं स्मुर्णा की कलीसिया के विषय में। और स्मुर्णा की कलीसिया का ये 4th भाग है। और पिछले संदेश में हमने स्मुर्णा की कलीसिया के विषय में सीखा था मसीह के द्वारा दूत की प्रशंसा, मसीह के द्वारा स्मुर्णा के दूत को सम्मति देना। आज हम स्मुर्णा की कलीसिया के 10वें और 11वें पॉइंट के विषय में हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है हमसे क्या कहता है। यदि आपके पास बाइबल है, आप बाइबल खोल के बैठ सकते हैं, या आप पढ़ना चाहें तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। स्मुर्णा की कलीसिया के विषय में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 8 पद से लेकर 11 पद तक आप पढ़ सकते हैं और आप बाइबल खोलकर बैठ सकते हैं। इसके 10वें पॉइंट के विषय में है मसीह द्वारा दूत को चेतावनी देना। चेतावनी देने का मतलब यानी वार्निंग देना। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्मुर्णा की कलीसिया को किसी भी प्रकार की वार्निंग नहीं दी, किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी, उसको कोई भी तरीके से उसको झिड़का नहीं, उसको डांटा नहीं, उसकी निंदा नहीं करी। क्यों? क्योंकि स्मुर्णा की कलीसिया ने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे उसे वार्निंग मिल सके। उसने वो काम किया जो यीशु मसीह की दृष्टि में सही था और अच्छा था, और यीशु मसीह जो है उसको अच्छा लगता था, इसलिए यीशु मसीह ने उसको किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी। इसके 11वां जो पॉइंट है मसीह द्वारा दूत और उसके समय के जय पाने वालों को रिवार्ड देने का वायदा, ये प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और इसके 11वें पद में है। मैं इस 11वें पद को पढ़ देना चाहता हूं आपके लिए। यहां लिखा है जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। अब मैं आपको पिछले संदेशों में भी एक चीज बता चुका हूं कि कोई भी अगर आप पद पढ़ते हैं तो उसकी रूपरेखा जरूर तैयार करें। चाहे आप कोई अध्याय पढ़ रहे हो उस अध्याय की, या आप कोई पुस्तक पूरी पढ़ना चाहते हो उस पुस्तक की रूपरेखा तैयार करें। इसके जो 11वां पॉइंट है इसके हमने 4 जो है इसकी रूपरेखा तैयार करी है। इसके 4 पॉइंट है उस रूपरेखा के। पहला है कि जिसके कानों वे सुन ले, दूसरा है आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, तीसरा है जो जय पाए, चौथा है उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इसके 11वें पॉइंट के जो हैं 2 पॉइंट जो हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, जो जय पाए, इसके बारे में हम पहले से बता चुके हैं। और इसके जो वीडियो हैं इसके लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इनको देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। परंतु हम बात करेंगे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना पहुंचेगी। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये हर बार जो है जब हम 7 कलीसियाओं के विषय में पढ़ेंगे तो 7 कलीसियाओं में हर बार आत्मा जो है वो कलीसियाओं से अलग अलग तरीके से बात कर रहा है। जैसे इफिसुस की कलीसिया से अलग बात करी है, स्मुर्णा की कलीसिया से अलग बात करी, अब स्मुर्णा के कलीसिया से क्या बात कर रहा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, क्या कह रहा है कि उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। यही बात जब हम दूसरी तीसरी कलीसिया के विषय में पढ़ेंगे तो वो कुछ और बात होगी। इसलिए आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ये जो पॉइंट है इसके विषय में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम सिर्फ बात करेंगे 4th पॉइंट के ऊपर कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि उस पर जो है दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या है, पहले हम मृत्यु के बारे में समझ ले कि मृत्यु है क्या, मृत्यु का अर्थ क्या है। देखिए 2 प्रकार की मृत्यु इंसान के जीवन में है जो परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल का जो सिद्धांत है उसके लिए। एक मृत्यु वो जो पाप के कारण जो है सारे मनुष्यों में फैल गई और मनुष्यों में फैल गई, और ये जो है ये पाप का परिणाम है कि हर एक मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई, और इसी पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर जो है हमें उस मृत्यु से क्या करा, हमें उस मृत्यु से स्वतंत्र किया,
हमें उस मृत्यु से, हमारे जीवन से दूर कर दी वो मृत्यु यीशु मसीह ने। कैसे? कि यीशु मसीह ने, देखिए पाप की मजदूरी क्या है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पौलुस रोमियो में बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि जब पाप आया आदम के जीवन में और सारे मनुष्यों में वो पाप फैल गया, तो उसके कारण मृत्यु भी आई और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह क्या देने आया? जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। तो यीशु मसीह ने वो पाप, हम सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया और उस मृत्यु से हमें क्या करा, हमें स्वतंत्रता प्राप्त कर दी। क्योंकि यीशु मसीह क्या हुआ, यीशु मसीह जी उठा, और यीशु मसीह जब जी उठा तो उसने हमें क्या करा, ये जो मृत्यु थी ये सदा के लिए हमारे जीवन से समाप्त हो गई। इस मृत्यु से हम पार पाकर जीवन में पहुंच सकते हैं। यहां पर एक चीज और बता देना चाहता हूं, यहां पर मृत्यु का जो अर्थ है, ये जो पहली जो मृत्यु है जो होती है, इस मृत्यु का अर्थ होता है कि मनुष्यों से हमेशा के लिए अलग हो जाना, या मनुष्यों से अलग हो जाना, बिल्कुल ही लुप्त हो जाना, या दिखाई ना देना, और या दूर हो जाना। परंतु जो दूसरी मृत्यु है उसका एक बिल्कुल अलग अर्थ है। अब उसका अर्थ क्या है, ये बड़े समझने वाली बात है। ये वाली मृत्यु का मतलब क्या है कि लोगों से अलग हो जाना, अपने प्रियजनों से अलग हो जाना, अपने लोगों से अलग हो जाना। परंतु दूसरी मृत्यु का अर्थ क्या है, दूसरी मृत्यु का बहुत खतरनाक अर्थ है, बड़ा भयंकर अर्थ है, और वो है कि अपने परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाना, ये दूसरी मृत्यु का अर्थ है। तो कहने का क्या मतलब है, ये मृत्यु जो है ये स्वाभाविक है, ये आनी है, परंतु यदि हम प्रभु में मरते हैं तो हम फिर से जीवित होंगे और हमें जीवन मिलेगा और बहुतायत का जीवन मिलेगा जो कभी खत्म ना होने वाला होगा। परंतु यदि हम प्रभु में नहीं मरते हैं, अपने पाप में मरते हैं, बुराइयों में मरते हैं और उन पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, और तो इसका मतलब क्या है कि हम दूसरी मृत्यु के हकदार हो गए और दूसरी मृत्यु हम पर हावी हो गई, और दूसरी मृत्यु का मतलब है कि परमेश्वर के से हमेशा के लिए अलग हो जाना। ये ध्यान रखिए, पहली मृत्यु का कोई डर नहीं होना चाहिए, और पहली मृत्यु का डर तब होना चाहिए जब हम प्रभु में नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली मृत्यु में जब हम प्रभु में होकर नहीं मरते हैं तो इसका मतलब दूसरी मृत्यु हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, दूसरी मृत्यु हमारे ऊपर हावी होनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं जो हूं, दूसरी मृत्यु के बारे में बात करेंगे आज, कि उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। प्रभु देखिए अपने वायदे क्या करता है, जब हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14वां पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील जो है ये दूसरी मृत्यु है। देखिए मैंने बताया कि मृत्यु और अधलोक क्या है, आग की झील। जो ये आग की झील है, आग की झील जिसके अंदर अधलोक और मृत्यु और नरक और ये जो चीजें लिखी हुई, ये सारी चीजें उसके अंदर डाली जाएंगी और युगान युग तक उसके अंदर वो जलते रहेंगे और वो कभी आग बुझने की नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर से अलग जो हो गए हैं, जो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, वो इस दूसरी मृत्यु को यानी आग की झील को वो प्राप्त करेंगे। वो आग की झील में जो है, आग की झील का कौर हो जाएंगे, आग की झील में वो डाले जाएंगे। ये आग की झील जो है ये दूसरी मृत्यु है, ये ध्यान रखिएगा। और इसलिए हमें, हमारे ऊपर दूसरी मृत्यु जो है वो कभी भी हावी नहीं होनी चाहिए। पौलुस एक बहुत बढ़िया बात कहता है। देखिए जब हम बात करते हैं मृत्यु के बारे में तो क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 26 पद में, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह है मृत्यु। बहुत समझने वाली बात है, पौलुस बहुत गहरी बात बोलता है। देखिए पौलुस तो वैसे भी बहुत बड़ा फिलोसोफर रह चुका है और इसलिए वो बड़ी गहरी बातें बताता है। क्या कहता है, सबसे अंतिम बैरी यानी मनुष्य का जो दुश्मन है, है जो सही माने में मनुष्य का जो दुश्मन है वो है, वो क्या है, सबसे अंतिम बैरी नष्ट किया जाएगा, और वो सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो क्या है, वह है मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु का मतलब देखिए, मृत्यु कहां से आई है, सबने जो पाप किया है, पाप की मजदूरी जो थी वो मृत्यु थी, यानी पाप
और मृत्यु हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यानी मृत्यु जो है परमेश्वर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। किसके जीवन में खत्म होगी? देखिए, सभी के जीवन में मृत्यु खत्म होने की बात नहीं है। मृत्यु तो ये वाली मृत्यु सभी के जीवन में खत्म हो जाएगी, जो पाप में मर रहा है उसके जीवन से, क्योंकि उसके पास जो पाप में मर रहा है वो तो दूसरी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर इस मृत्यु का कोई असर ही नहीं होगा उसके ऊपर। वो मृत्यु में वो जलता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, रोना, दांतों का पीसना वो जिंदगी भर तक उसका होता रहेगा। फिर उसके ऊपर कोई मृत्यु हावी नहीं होगी कि वो मर गया तो इसका मतलब अब वो आग से निजात पा जाएगा, नहीं, वो मरेगा ही नहीं। परंतु जो प्रभु में मरता है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा और अनंत काल तक वो जो है वो नहीं मरने का है, वो क्योंकि प्रभु उसको क्या देगा, बहुतायत का जीवन देगा। तो ये मृत्यु जो है सदा के लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, दोनों के जीवन के, धर्मी लोगों के जीवन से भी और पापी के जीवन से। ये जो मृत्यु चल रही है, जो हम स्वाभाविक मृत्यु जो हम लोग मरते हैं, इस मृत्यु की बात कर रहा हूं। और ये जो है, ये बैरी का मतलब इसने दुश्मन क्यों कहा है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारे आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, हमारे दोष, हमारे पाप, हमारी गलतियां और हमारी जो भी बुराइयां हैं ये हैं। और ये क्या लेकर आती हैं, ये मृत्यु को लेकर आती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये मृत्यु को लेकर आती हैं। तो परमेश्वर इनको नाश करेगा। यशायाह 25 और उसके 8 पद में क्या कहता है, वे मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, यशायाह भी भविष्यवाणी करता है। किस विषय में भविष्यवाणी हो रही है, कि मृत्यु के बारे में। ये कौन सी मृत्यु के बारे में, इस वाली मृत्यु के बारे में कह रहा है कि सदा के लिए नाश हो जाएगी, इंसान के जीवन में फिर मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी। मगर एक बात से हमेशा चौकन्ने रहिए, सावधान रहिए कि हम कहीं इस मृत्यु से तो चलो हमें नजात मिल जाएगी, परंतु कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरी मृत्यु का कौर बन जाएं या दूसरी मृत्यु को हम प्राप्त कर लें। ये ध्यान देने की बात है कि प्रभु क्या कह रहे हैं कि सारे आंसू, आंसू का मतलब सब दुख उनके जीवन से समाप्त हो जाएंगे, कोई दुख नहीं होगा, और वह जो प्रजा की नामधराई जो बुराई होती है वो भी दूर करेगा। और क्योंकि यहोवा जो है वह जो ऐसे ही कहा है उसने, और जो परमेश्वर कहता है वो होता है और वो करके रहता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में भी देखिए एक बड़ी अच्छी बात लिखी, क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21:4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो मृत्यु को हमेशा के लिए नाश कर देगा इंसान के जीवन से। इंसान के जीवन से बड़ा इंसान खुश होगा कि अरे परमेश्वर ने हमें विजय दिलाई है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर से मृत्यु को नाश कर दिया है, अब हम मृत्यु का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा, बड़ी खुशी की बात है। मगर ध्यान रखिए, यदि पाप में मरते हैं तो इस मृत्यु का प्रभाव रहे या ना रहे, परंतु दूसरी मृत्यु का प्रभाव जो है अनंत काल तक रहेगा। वो मृत्यु फिर उस मृत्यु से निकलने के नहीं है आप, और वो दूसरी मृत्यु का नाम क्या है, आग की झील, आग की झील उसका नाम है दूसरी मृत्यु। तो इसलिए उस आग की झील से भी हमें बचना है। ये खुशी की बात नहीं है कि हम मृत्यु से बच गए, खुशी की बात यह है कि हम दूसरी मृत्यु से बच गए। दूसरी मृत्यु से बचने का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के हो गए हमेशा के लिए, परमेश्वर से अलग अगर हो गए हमेशा के लिए, दूसरी मृत्यु परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर देगी। और उसके बाद अगर जो प्रभु में मर रहे हैं उनके पास जो है कोई भी मृत्यु, ना तो ये वाली मृत्यु होगी ना दूसरी मृत्यु होगी, बल्कि क्या होगा, अनंत जीवन होगा, और उसमें किसी भी प्रकार का फिर कोई दुख नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा, क्योंकि पीड़ा देने वाले लोग नहीं होंगे आपके बीच में, क्योंकि दुख देने वाले आपके बीच में नहीं होंगे, आपको ताना मारने वाले लोग नहीं होंगे, आपकी बुराई करने वाले लोग नहीं होंगे। और पौलुस क्या कहता, देखिए बड़ी अच्छी बात जो है पौलुस कहता है ना, 1 कुरिन्थियों 15 उसके 54 और 55 पद में यहां लिखा है, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वे वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। कहने का मतलब क्या है, नाशवान यानी ये जो नाशवान शरीर है अविनाशी को, अविनाश का मतलब कभी ना खत्म होने वाले जीवन को जब प्राप्त कर लेगा, ठीक है, और अमृता का मतलब है कि इंसान अमर हो जाएगा और कभी फिर उसे वो मरने का नहीं है, और तब उसके जीवन में एक जो वचन है, जो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने, जो अविनाशी दशा में रह रहे होंगे, जिन्होंने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली होगी, जिन्होंने जय प्राप्त कर ली होगी, जिनके जीवन में दूसरी मृत्यु का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा,
तो वो क्या होगा, वो कहेंगे जय ने मृत्यु को निगल लिया। किसकी जय ने? यानी हम जो जय पाए हुए लोग होंगे, हमारी जय ने, बुराई के ऊपर हमने जय पाई, हमने पाप के ऊपर जय पाई, हमने बहुत से ऐसी चीजों पर जय पाई जो परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं थी, जिससे परमेश्वर घृणा करता था, उन सब बातों पर जय पाकर हमने क्या करा, मृत्यु को निगल लिया। मृत्यु को निगलने का मतलब मृत्यु को नाश कर दिया, यीशु मसीह के समान हमने जय पाई है। और फिर हम ये कह सकते हैं, मृत्यु तेरी जय कहां रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। अब मारना हमें, अब दिखाना मारकर, अब हमारे जीवन को बर्बाद करके दिखा, क्योंकि उस पृथ्वी के, वो उस नए पृथ्वी, नए आकाश के नीचे, नए पृथ्वी के ऊपर, नए यरूशलम में, और वो परमेश्वर के राज्य में, उस मृत्यु का कोई भी एक लेश मात्र भी भाग नहीं होगा। और वो मृत्यु जो है, वो हमें जो है सदा, जो मृत्यु है जो रहेगी, वो मृत्यु भी आग की झील में सदा के लिए डाल दी जाएगी। जैसा हमने पहले पढ़ा कि अधलोक और मृत्यु दोनों कहाँ डाले जाएंगे, आग की झील में डाले जाएंगे सदा के लिए। और जो बुराई में होगा वो सब आग की झील में उस दूसरी मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसलिए देखिए, होशे भी भविष्यवाणी करता है। मैं आखिर में एक पद और पढ़ाना चाहूंगा, होशे 13 अध्याय उसके 14वें पद में, मैं उसको अधलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसका छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही, हे अधलोक तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही, मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। परमेश्वर देखिए, परमेश्वर क्या कह रहा है, ये बात कैसे है, ये यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के लोगों के लिए है। वो क्या कह रहा है कि मैं उसको मतलब यानी यीशु मसीह के लिए है, और यीशु मसीह के साथ साथ वो हमारे लिए भी है, कि मैं उसको अधलोक के वश से छुड़ा लूंगा। अधलोक का मतलब क्या होता है, जो जमीन के अंदर सोए हुए लोग हैं, जो कब्र के अंदर चले जाते हैं, जो जमीन के अंदर चले जाते हैं, जो मर जाते हैं, उनके लिए अधलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा, यानी मृत्यु से हमेशा के लिए छुटकारा देगा, मृत्यु जो है उसके ऊपर हावी नहीं होगी। और लिखा है कि फिर वो कहेगा, हे मृत्यु तेरे मारने की शक्ति कहां रही। और ये जो बात है, ये जो होशे की भविष्यवाणी है, ये किसमें पूरी होती है, ये प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। और किन में पूरी होती है, ये जय पाने वाले लोगों में पूरी होती है। और स्मरणा की कलीसिया को क्या रिवार्ड मिलने वाला है, स्मरणा की कलीसिया को ये रिवार्ड परमेश्वर देगा कि उनके ऊपर दूसरी मृत्यु हावी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हर चीज के ऊपर जय प्राप्त कर ली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी हर चीज के ऊपर जय प्राप्त करनी है, ताकि दूसरी मृत्यु जो आग की झील है उसमें हम प्रवेश ना करें, उसमें हम ना जा पाए, और हमारा जीवन जो है वो सेफ हो जाए, हम बच जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से बताना चाहता हूं, देखिए ये वाली जो मृत्यु, ये जो स्वाभाविक होती है, ये हमें लोगों से अलग करती है, दुनिया से हमेशा के लिए अलग कर देती, लोगों से हमेशा के लिए अलग करती। परंतु जो दूसरी मृत्यु है, वो हमें परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देती है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग नहीं होना है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो गए तो ये सोच लीजिए कि हमारी जिंदगी जो है हमेशा के लिए रोना और दांतों का पीसना, चिल्लाना उसमें ही गुजरेगी, उसमें ही व्यतीत होगी, आग की जलन में व्यतीत होगी जो कभी ना बुझने की है। और इस दूसरी मृत्यु से अपने आप को और दूसरे लोगों को भी बचाने की कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।